पिछले कुछ दिनों से विरार में जगह जगह एक बैनर लगा है जिस पर धनंजय गावड़े का विरार में स्वागत किया जा रहा है। विरार में ताइक्वांडो का स्पर्धा रखा गया। पिछले दो दिन से स्पर्धा शुरू था। इस बार ये तीसरा साल था धनंजय गावड़े और उनकी संस्था ने पूरा स्पर्धा आयोजित किया। धनंजय गावड़े की मांग है कि स्पर्धा को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। वहीं महानगर पालिका पिछले साल से स्कॉलरशिप नहीं दे रही है, इसके लिए वह कोशिश भी करेंगे कि स्कॉलरशिप मिले। इस पूरे कार्यक्रम में आयोजन में रोहन चौहान और अश्विनी चौहान उन्होंने मुख्य रूप से काम किया। ताइक्वांडो स्पर्धा में बैनर और प्रोग्राम, ये बैनर और ये प्रोग्राम जितना समान लग रहा है उतना समान है नहीं। बहुजन विकास अघाड़ी के खिलाफ कोई दमदार उम्मीदवार है तो सिर्फ धनंजय गावड़े है। धनंजय गावड़े 2024 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा 132 यानी जितेंद्र ठाकुर के पुत्र सतीश ठाकुर के खिलाफ, जिसमें धनंजय गावड़े के जीतने की उम्मीद भी काफी ज्यादा है। 2019 में भी धनंजय गावड़े विधानसभा लड़ने वाले थे पर कई आरोप लगाकर धनंजय गावड़े को सलाखों के पीछे भेज दिया गया, पर वक्त फिर उसी जगह घूमकर आ गया। धनंजय गावड़े को सभी आरोपों में बेल मिल गया और वो आजाद हो गए। आजाद होते ही धनंजय गावड़े विधानसभा की तैयारी में जुट गए। धनंजय गावड़े का ये विरार में पहला कार्यक्रम है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के बहाने धनंजय गावड़े का विरार में एंट्री है। अपने विधानसभा की तैयारी में सक्रिय हो गए हैं। वहीं विरार में धनंजय गावड़े की एंट्री ने बहुजन विकास अघाड़ी की चिंता बढ़ा दी है। राजकीय कार्यक्रम है, संस्था राजकीय आहे। स्पर्धकांना शुभेच्छा द्यायला मी आणि माझे सहकारी जमले। आज मोठ्या प्रमाणात म्हणजे आम्ही त्याचा निश्चित लवकर पाठपुरावा करणार आहोत नगरपालिकेमध्ये। नगरपालिकेची अवस्था सध्या आंधळा दळते आणि कुत्रपीठ खाते अशी झालेली आहे, त्यामुळे त्यांना असं जोरजोरात हलवल्याशिवाय जाग येत नाही, तर तेही काम करू। या पालघर डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो असोसिएशनचे आर्यन हराड सर जे खजिनदार आहेत ते आमच्याकडे आले होते आणि त्यांनी आमच्याकडे इच्छा व्यक्त केली होती की या ताइक्वांडोची यावर्षी जी तिसरी जी स्पर्धा आहे ती आपल्या पालघर जिल्ह्याची जी विरारमध्ये आयोजित केली जावी आणि अनुषंगाने लागलीच आम्ही त्यांची धनंजय गावडे सरांशी भेट करून दिली आणि धनंजय गावडे साहेबांनी तात्काळ आपल्याला मंजुरी दिली, होकार दिला की कारण हा खेळ आहे जो ऑलिम्पिक लेवलचा खेळ आहे आणि ऑलिम्पिक लेवलच्या या खेळामध्ये आपल्या पालघर जिल्हा जास्तीत जास्त प्रमाणात आपल्या पालघर जिल्ह्यातले जे विद्यार्थी आहेत ते पुढे जावेत, राज्य राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळावं हीच एक इच्छा म्हणून आपले जे धनंजय गावडे सर आहेत त्यांनी तात्काळ मंजुरी दिली आणि आम्ही कालपासून शनिवारी आणि रविवारी पूर्णपणे त्यांची कॅडेट ज्युनियर सिनियर आणि पहिल्यांदा या पालघर जिल्ह्यामध्ये सब ज्युनियर म्हणजे वयवर्ष 5 ते वयवर्ष 12 गटातील मुलांना आपण संधी दिली आहे आणि मला वाटतं 400 ते 450 वर खेळाडू इथे सहभागी झाले वयवर्ष 5 पासून ते ओपन कॅटेगरीपर्यंत। आणि आमची हाच प्रयत्न आहे की आपल्या भारतामधील अशा या खेळाला एक आंतरराष्ट्रीय लेवलच्या खेळाला प्रसिद्धी देणं आणि आम्हाला त्यांचं त्यांना हे करणं।